करेंगे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से, जो है नमक और हल्दी। नमक स्वाद अनुसार, और जरा सी हल्दी। तो फिश देख के आप समझ तो गए होंगे कि हम कोई फिश की रेसिपी बनाने वाले हैं, पर हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं कोंकणी फिश करी। We'll keep this fish aside for 10 to 15 minutes. हाँ जी, मैं हूँ आपकी होस्ट अंदु सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आउट ऑफ फैशन। कोंकणी फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक ड्राई मसाला, जिसमें हम डालेंगे वो सारे मसाले जो है कोंकणी क्यूजीन की बैकबोन। इस मसाले में सबसे पहले जाएगा गार्लिक, जिसको हमने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। दिस इज अबाउट 7 to 8 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। इसको 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। अब टाइम है दूसरा इंग्रेडिएंट डालने का, जो है कड़ी पत्ता। ये है 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ते के। मैंने फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है, आप चाहें तो ड्राई करी लीव्स भी ले सकते हैं। अब इसमें जाएगी 1/2 चम्मच राई। नेक्स्ट इज 1 teaspoon ऑफ जीरा, देन 2 teaspoon ऑफ कोरिएंडर सीड्स, साबित धनिया, और 1/4 चम्मच दाना मेथी का। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे ये 4 बेड़गी लाल मिर्चें। बेड़गी लाल मिर्चें कर्नाटका की स्पेशलिटी है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, और यू कैन यूज अ रेगुलर रेड चिलीज आल्सो। दैट्स इट। नाउ वी विल रोस्ट इट फॉर अबाउट अ मिनट और सो एंड द ड्राई मसाला विल बी रेडी। We'll let it cool for a while and then we'll grind it to a fine powder. Now let's start with the next step of making the curry. Fish curry के लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज और लहसुन का पेस्ट। फॉर 500 ग्राम्स ऑफ फिश आई एम यूजिंग 2 small onions एंड 8 to 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। उसका फाइन पेस्ट बना लिया है और अब इसको सौते करेंगे। वैसे तो कोंकणी क्यूजीन अपने आप में एक बहुत ही फेमस क्यूजीन है, पर ये तालमेल है, ये मिश्रण है महाराष्ट्रियन और गोवा के खाने का। वैसे तो इस क्यूजीन की जो नॉन वेजिटेरियन डिशेस हैं बहुत ही फेमस है, बट कुछ वेजिटेरियन डिशेस भी माउथ वाटरिंग है। वैसे सोल कड़ी तो आप सबने खाई होगी, और कोंकणी क्यूजीन में कोकोनट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में। प्याज करीब 5 से 7 मिनट के लिए भुना गया है और ये अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 medium टमाटर का पेस्ट। इसको भी करीब 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। आई पर्सनली लव मालवानी कोंकणी एंड कोल्हापुरी क्यूजीन, क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी कुछ सिमिलर होते हैं एंड इट गिव्स यू अ फेस्टिवल ऑफ फ्लेवर्स इन योर माउथ। टमाटर भून चुका है, नाउ इट्स टाइम टू ऐड द मसाला दैट वी मेड इन द फर्स्ट स्टेप। ये मैं डाल रही हूँ 2 teaspoon ऑफ द ड्राई मसाला। कोंकणी क्यूजीन इज अ स्पाइसी क्यूजीन। इसमें मिर्ची का लेवल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आई लाइक स्पाइसी फूड, तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची और ऐड कर रही हूँ एंड सॉल्ट टू टेस्ट। लेट्स गिव इट अ मिक्स एंड लेट्स ऐड अ लिटिल वाटर टू दिस मसाला।
अब इस मसाले में मैं डाल रही हूँ इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है कोकोनट मिल्क। मैंने यूज किया है कैंड कोकोनट मिल्क, आप चाहें तो घर पे बना हुआ कोकोनट मिल्क भी यूज कर सकते हैं। दिस इज 1 कप ऑफ कोकोनट मिल्क। ये जो आपके मसालों की पंजेंसी है, जो स्पाइस लेवल है, उसको मेलो डाउन करेगा, उसको सेटल करेगा, एंड ऑल्सो इट विल गिव अ वेरी नाइस टेक्सचर टू द ग्रेवी। लेट्स सिमर दिस ग्रेवी फॉर अबाउट 5 to 7 minutes ऑन लो हीट। ये ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है एंड लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस ग्रेवी, इट इज रियली सिल्की एंड लश्रस बिकॉज ऑफ द कोकोनट मिल्क दैट वी हैड यूज्ड। नाउ इन गोज द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज टैमरिंड पेस्ट। ये है करीब 2 चम्मच टैमरिंड पेस्ट। टैमरिंड यानी इमली का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें कोकम भी यूज कर सकते हैं। कोंकणी क्यूजीन में जो इमली या कोकम है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज इट गिव्स द एसिडिटी, द खट्टापन टू योर ग्रेवीज। इसका भी जो क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। Now let it simmer for another 5 minutes and then we'll add fish to it. ग्रेवी ऑलमोस्ट पक चुकी है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप, हम इसमें डालेंगे फिश जो कि हमने पहले नमक और हल्दी लगा के छोड़ी थी। ये बेड की फिश है, अगर आप चाहें तो और कोई फिश भी यूज कर सकते हैं। बस अब क्या बचा, इस फिश को 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम्स पे पकाएंगे और फिर तैयार हो जाएगी हमारी कोंकणी फिश करी। कोंकणी फिश करी एंड स्टीम राइस मेक फॉर एन एक्सेलेंट संडे लंच, तो बनाइएगा जरूर। और हाँ, आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, देखिए पहले। जी हाँ, वही रेड कलर का बटन, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी यम्मी डिलीशियस और सिंपल रेसिपीज आपके पास आती रहेंगी। ये फिश करी 5 से 7 मिनट तक पक चुकी है और फिश बिल्कुल अच्छे से गल गई है एंड द फिश करी इज रेडी टू बी सर्व्ड। सो लेट्स डिश इट आउट। लग रही है ना जबरदस्त ये फिश करी। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।